की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार की डाइस डिज़ाइन किस प्रकार से ड्रॉ करें, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम शेप को शिफ्ट के साथ छोटा करते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ से लेंगे हम पॉलीगन टूल से इसको हमें यहाँ पर 6 करना है। देन कंट्रोल के साथ पेज के ऊपर इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद कॉपी पेस्ट करके नीचे की ओर इस प्रकार से इसको सेट करेंगे ऐसे। सेट करने के बाद यहाँ से लेंगे ब्लेंड टूल से इस शेप के साथ इस शेप को हमें ब्लेंड करना है इस प्रकार से। यहाँ पे टाइप कर देंगे 2 और एंटर कर देंगे तो हमारी ब्लेंड टूल ऐसे हो जाएगी। देन पिक टूल लेना है और पिक टूल से एक और शेप हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है ऐसे। इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लेंगे ब्लेंड टूल और इन दोनों शेप को भी ब्लेंड करेंगे ऐसे इस प्रकार से। और फिर से यहाँ पे टाइप करना है हमें 2 एंटर। देन शेप टूल लेना है और ऊपर की ओर भी एक और हमें ड्रॉ करना है ऐसे पॉलीगन टूल। प्रकार से ड्रॉ करेंगे और इसको भी हमें ब्लेंड टूल से ही ब्लेंड करना है ऐसे। यहाँ पे भी टाइप करेंगे हम 2 और एंटर। देन एक और ब्लेंड टूल लेना है इस डायरेक्शन में, इसको भी सेट करेंगे ऐसे। कॉपी पेस्ट करके करना है हमें। ब्लेंड टूल लेना है और इसको भी सेम हमें इस प्रकार से ब्लेंड करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 2 देन एंटर। देन अब लेंगे हम स्मार्ट फिल का ऑप्शन लेना है और ये सारे शेप को हमें क्लिक करना है ऐसे। ऐसे शेप को सिलेक्ट करेंगे देन इस वाले शेप को हम कर देंगे ब्लू कलर। इस वाले शेप को कर देंगे येलो कलर। देन इस वाले शेप को कर देंगे हम रेड कलर। इस प्रकार से कलर करने के बाद सारे शेप को सिलेक्ट करके बाहर लेंगे ऐसे। इन सबको ग्रुप कर देंगे ऐसे शिफ्ट के साथ। ग्रुप करने के बाद कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आएंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और इन सबको कर देंगे हम डिलीट। प्रकार से डिलीट कर देंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे और ये हेयरलाइन पे जाके इसकी हेयरलाइन को हम 4 कर देंगे ऐसे और इसके आउटलाइन को वाइट कर देंगे राइट क्लिक करके। देन इसको एक बैकग्राउंड लेंगे और इसको कर देंगे ब्लैक कलर। कंट्रोल पेज डाउन से इस प्रकार से सेट करेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों हमारी डाइस डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।